पूरा संसार माता की आराधना में लगा है, लेकिन ऐसी पूजा और आराधना का क्या मतलब जब आप अपनी जन्म देने वाली माँ को ही न सुख दे सके। एक ऐसी ही वृद्ध महिला को धनबाद के कुछ लोगों ने लालमणि वृद्धा आश्रम में पहुंचाया है। ऐसा नहीं कि वृद्ध माता निसंतान है, महिला के 3-3 बेटे हैं, फिर भी आज अनाथ आश्रम में ये बूढ़ी माँ शरण लेने को मजबूर है। धनबाद नगर निगम के स्टाफ क्वार्टर के आवास में रहने वाली उर्मिला देवी के 3 बेटे हैं, जिसमें एक वकील है। पति चंद्रमोहन प्रसाद का स्वर्गवास 2019 जून को ही हो चुका है, पेंशन भी नहीं मिल रही है। पति की मौत के बाद से ही तीनों बेटों ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। तीनों बेटों में से किसी ने बुजुर्ग माँ को 2 वक्त की रोटी भी देना मुनासिब नहीं समझा। तब उस बुजुर्ग महिला को स्थानीय लोगों और धनबाद प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में पहुंचाया, जहां के लोग महिला की देखभाल कर रहे हैं। तो किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? हो जाता है, कुछ तो समाज सेवी करते हैं, बाकी हम लोग 2-3 मित्र हैं, मिलकर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सरकार से और धनबाद के पदाधिकारी से निवेदन है कि हम लोग के आश्रम के प्रति भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ सरकारी आश्रम है, आप जाकर देखेंगे अभी भी ताला लगा हुआ होगा। बिल्कुल है, है ना। तो मेरे कहने मतलब जब उस आश्रम को मतलब जो डोनेशन दे रहे हैं या जो भी फंड दे रहे हैं वो हमारे आश्रम में से देने से हमारा आश्रम और संचालन, आज 32 माँ बाप है, कल 320 माँ बाप को रखने का हम लोग कैपेसिटी रखें। 20 सुधीर कार्यकारिणी अध्यक्ष लालमणि वृद्धा सेवा। सर अपने वृद्धाश्रम में इनको ले जा रहे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम है कि देखिए पत्रकार बंधु से पता चला कि एक माँ जो है जिनके बच्चों ने निकाल दिया है, इनके 3 बेटे हैं और पति नगर निगम में काम करते थे, आज वो उनका स्वर्गवास होने के बाद माँ को घर से निकाल दिया गया। मुझे जैसे पता चला मैं आया, इस माँ से मिला और ये माँ का दुख को देख करके बहुत तकलीफ़ हुई। मैं इन्हें अपने लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम ले जा रहा हूँ और ऐसे माँ बाप हमारे यहाँ 32 है। कितना सुविधा और आश्रय इनको मिलेगी आपके? देखिए आश्रय वहाँ जो एक घर में एज इट इज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बेड है, पलंग है, पंखा है, कूलर है, टाइमली खाना है। हमारे आश्रम में 8 बजे चाय बिस्किट, 9 बजे नाश्ता, दोपहर 1 बजे खाना, 5 बजे चाय बिस्किट और रात में रोटी सब्जी और आधा गिलास। कितने अभी वृद्ध लोग हैं वहाँ पे? वहाँ 32 लोग, पानी नल जल सारा कुछ सब की पूरा सब हम लोग आपस में मिल के जितने सदस्य हैं लेकर चल रहे हैं और हम लोग कौन होते हैं चलाने, भगवान चला रहे हैं ऊपर वाले। आप आश्रम के आप कौन हैं? हम आश्रम के संचालक अध्यक्ष भी हैं और इस आश्रम की नियो संस्थापक कहिए कि ईट रखी हम नाम आय से मोहम्मद नौशाद। जिस माँ ने अपने 3 लाडलों को 9 माह कोख में रखकर पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया और काबिल बनाया, उन्होंने ही उसे ठुकरा दिया। पति का स्वर्गवास होने के बाद माँ को घर से बाहर निकाल दिया। जो माँ अपने हिस्से की भी खुशी अपने बच्चों को बांट देती है, आज उम्र के इस पड़ाव में वो ठोकरें खा रही है। 3 बेटे होने के बावजूद भी कोई भी माँ को रखने के लिए तैयार नहीं। आज यही माँ बेटों के लिए बोझ बन गई है और वृद्धा आश्रम में जीने को मजबूर है। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।